हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 हिंदी विषय के बोर्ड द्वारा जारी किए गए ब्लूप्रिंट की चर्चा हम करेंगे। हमने आपकी विज्ञान विषय, गणित, अंग्रेजी और सामाजिक इन चारों विषय के ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। इस क्लास में हम आपके हिंदी विषय के ब्लूप्रिंट की चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। वही पेपर आपका 3 घंटे 15 मिनट का होगा और कितने अंकों का होगा? 80 अंकों का आपका पेपर होगा। आगे दिया हुआ है उद्देश्य हेतु अंक भार, यानी ज्ञान आधारित प्रश्न है वो 17 अंकों के होंगे, अवबोध आधारित प्रश्न 19 अंकों के होंगे, अभिव्यक्ति आधारित प्रश्न 29 अंकों के और मौलिकता आधारित प्रश्न 15 अंकों के। टोटल 80 अंकों का आपका पेपर होगा। ये ज्यादा कुछ इस पे ध्यान नहीं देना, चलिए हमारे काम की चीज यहां से शुरू होती है। प्रश्नों के प्रकार, आपके पेपर के अंदर आपको 5 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। वस्तुनिष्ठ यानी MCQ अभिसरण वाले, फिर अति लघुरात्मक जिनका जवाब आपको एक लाइन के अंदर या 1 से 2 शब्दों के अंदर देना होता है, ठीक है। फिर लघुरात्मक ऐसे प्रश्न जिनका जवाब आपको 1 से 2 लाइन में देना होता है, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिनका जवाब आपको 3 से 4 लाइन में देना होता है, और फिर निबंधात्मक प्रश्न जिनका जवाब आपको लगभग 15 से 20 लाइन के अंदर देना होता है, ठीक है। तो आपकी पेपर के अंदर आपको ये 5 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रश्नों की संख्या की बात करें तो MCQ वस्तुनिष्ठ 18 होंगे, अति लघुरात्मक 12 होंगे, लघुरात्मक 13 होंगे, दीर्घ उत्तरीय नहीं दिया हुआ है, हो सकता है किसी के साथ कंबाइन दिए हो, और जो निबंधात्मक प्रश्न हैं वो कितने होंगे? टोटल 4 और 3 7 होंगे। तो ये है आपके प्रश्नों की संख्या, ठीक है। यहां पर प्रश्नों की संख्या से भी हमें ज्यादा मतलब नहीं है, हमें केवल ये देखना है कि पेपर के अंदर ये 5 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब मेन बात है वो यहां से शुरू होती है कि कौन सी चीज कितने अंकों की है। तो सबसे पहले जो अपठित चीज है, जिसमें अपठित गद्यांश या पद्यांश आपके पूछे जाएंगे, वो कितने अंकों का होगा? 10 अंकों का। अपठित जो गद्यांश है जो आपकी किताब से बाहर का होगा और उस पर आधारित प्रश्नों के जवाब आपको देने होंगे, वो होगा 10 अंकों का। फिर आपका निबंध है, निबंध होगा आपका 4 अंकों का। फिर आपका पत्र लेखन है, वो भी होगा 4 अंकों का। फिर आपका विज्ञापन लेखन है या विज्ञापन बनाना है, वो होगा 4 अंकों का। फिर आपकी व्याकरण रचना है, ठीक है, व्याकरण आपकी कितने अंकों की होगी? 12 अंकों की। फिर क्षितिज जो पाठ्य पुस्तक है वो सबसे ज्यादा है, 36 अंकों की, काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर कृतिका आपकी पाठ्य पुस्तक भाग 2 है, ये है आपके 10 अंकों की। तो इस तरह आपके पैटर्न के अंदर प्रश्नों का डिवाइडेशन रहेगा, यानी अपठित गद्यांश 10 नंबर का, निबंध 4 नंबर का, पत्र 4 नंबर का, 4 नंबर का विज्ञापन, ग्रामर 12 अंकों की, आपकी पहली पुस्तक क्षितिज 36 अंकों की, और आपकी दूसरी पुस्तक कृतिका 10 अंकों की। इस तरह टोटल 80 अंकों का आपका पेपर रहेगा। अब हम समझते हैं आपके ब्लूप्रिंट को, हिंदी विषय के ब्लूप्रिंट को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। छोटी साइज कर लेता हूं थोड़ी, देखें। प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट कक्षा 10 विषय हिंदी। सबसे पहले बात करते हैं अपठित गद्यांश की। तो जो अपठित गद्यांश है उसमें से आपको 6 प्रश्न कैसे मिलेंगे? वस्तुनिष्ठ यानी अभिसरण वाले, ठीक है। 2 प्रश्न और मिलेंगे वस्तुनिष्ठ, जो हो सकते हैं अभिसरण या रिक्त स्थान के रूप में हो, और फिर ये 2 प्रश्न और मिलेंगे वस्तुनिष्ठ, यानी अपठित गद्यांश के अंदर जितने भी प्रश्न हैं वो सब आपको वस्तुनिष्ठ यानी कि अभिसरण के रूप में मिलेंगे या फिर रिक्त स्थान के रूप में। टोटल 10 प्रश्न आएंगे और 10 और 10 प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ यानी अभिसरण के रूप में, या उनमें से कुछ प्रश्न रिक्त स्थान के रूप में दिए होंगे, ठीक है। आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और फिर उन प्रश्नों के उत्तर को चुनना है। सब अभिसरण आएंगे, लिखने वाले नहीं आएंगे, ठीक। फिर बात आती है निबंध की। तो सिंपल सी बात है, निबंध जो निबंध है उसके अंदर क्या होगा? एक प्रश्न होगा, कितने अंकों का? 4 अंकों का। निबंध के अंदर एक प्रश्न होगा 4 अंकों का। फिर है आपका पत्र लेखन। तो सिंपल सी बात है, पत्र लेखन के अंदर भी आपका जो पत्र लेखन लिखना होगा और वो कितने अंकों का होगा? 4 अंकों का, एक प्रश्न होगा,
ठीक है। अब हो सकता है पत्रक के अंदर कुछ अलग अलग चीजों के नंबर हो सकते हैं, जैसे ऊपर शीर्षक का एक नंबर हो सकता है, बीच वाले पॉइंट के दो नंबर हो सकते हैं, नीचे वाले का एक नंबर हो सकता है, ऐसे रिवाइजेशन हो सकता है, लेकिन वही लिखना आपको पत्र है और चार अंकों का है। फिर आपका विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट लिखना है, ये भी कितने अंकों का है, चार अंकों का, एक प्रश्न होगा अथवा में होगा, उनमें से आपको एक करना है। ये तीनों चीजें, दूसरा तीसरा चौथा, ये तीनों प्रश्न अथवा में होंगे और उन दोनों में से आपको एक प्रश्न करना है। फिर आती है आपकी व्याकरण, व्याकरण कितने अंकों की है, व्याकरण टोटल 12 अंकों की है और कितने प्रश्न आएंगे, लगभग 11 प्रश्न आएंगे, 6 प्रश्न एक एक अंक के, फिर ये एक प्रश्न एक अंक का, फिर ये दो प्रश्न दो दो अंकों के, फिर दो प्रश्न एक अंक का और एक प्रश्न एक अंक का, मतलब एक अंक के कितने प्रश्न होंगे, 6, 7, 8, 8 प्रश्न होंगे आपके एक अंक के, ठीक है, और दो अंकों के होंगे आपके दो प्रश्न, दो अंकों के होंगे आपके दो प्रश्न, ठीक है। इस तरह टोटल 12 अंकों की आपकी ग्रामर हो जाएगी। फिर बात करते हैं आपकी सिटीज, भाग प्रथम, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से देखो सबसे पहले जो छोटे प्रश्न हैं वो टोटल कितने प्रश्न आएंगे, इसमें से 19 प्रश्न, कितने 19 प्रश्न आएंगे टोटल, कितने अंकों के, 36 अंकों के। अब इसमें से बड़े प्रश्न कितने आएंगे देख लो, निबंधात्मक प्रश्न यहां पर एक, और फिर ये देखो चार प्रश्न आएंगे 8 नंबर के, यानी दो दो अंकों के चार प्रश्न आएंगे, ठीक है। फिर ये चार अंकों के दो प्रश्न आएंगे, तो ये टोटल ये चार और दो, 6 प्रश्न तो बड़े आएंगे, ठीक है, 6 प्रश्न बड़े आएंगे। फिर ये 7 प्रश्न आएंगे आपके लघुरात्मक, यानी 2 से 3 लाइन वाले, ठीक, यानी 4 प्रश्न बड़े निबंधात्मक, 4 और 2 6 प्रश्न निबंधात्मक आएंगे बड़े वाले। फिर और कितना आएगा लघुरात्मक, कितने आएंगे 7, और लगभग 7 प्रश्न आपके लघुरात्मक आएंगे जिनका उत्तर आपको 3 से 4 लाइनों के अंदर देना होगा। फिर अति लघुरात्मक कितने आएंगे, 3 और एक 4, लगभग 4 प्रश्न आपके आएंगे अति लघुरात्मक, यानी जिनके जवाब आपको एक लाइन के अंदर देने होंगे। और फिर आएंगे आपके बिल्कुल छोटे प्रश्न, वो ये रहे एक लाइन एक नंबर का बस। तो ऐसे प्रश्नों की संख्या फिक्स नहीं है, ये आप देख लें कि इसके अंदर आपको लगभग 6 से 7 प्रश्न बड़े देखने को मिलेंगे, 6 से 7 अति लघुरात्मक, और 4 से 5 प्रश्न है वो बिल्कुल लघुरात्मक देखने को मिलेंगे। यानी आपकी सैतिक पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। सबसे ज्यादा अंक की है 36 अंकों की आपकी सैतिक पुस्तक, काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से प्रश्न ही पूछे जाएंगे, सीधी सी बात है, या हो सकता है कोई एक गद्यांश दे दे और उस पर आधारित प्रश्न भी दे दे। कुल मिला के बात यह है कि आपकी सैतिक पुस्तक आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। फिर आपकी बुक आती है कृतिका, ये कितने अंकों की है, 10 अंकों की, यानी इनमें से 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें देखो एक एक अंक के दो प्रश्न है, यानी दो नंबर एक एक अंक के। फिर आपके दो अंकों के कितने प्रश्न है, 2 और 1 3, दो अंकों के 3 प्रश्न, यानी 6 नंबर ये हो गए, ठीक है, 3 प्रश्न दो दो अंकों के। और फिर हो सकता है, या फिर 4 4 अंकों के 2 प्रश्न, ऐसे हो सकता है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के पैटर्न फिक्स नहीं है, केवल ये ध्यान है कि आपकी कृतिका पुस्तक 10 विषयों की है, प्रश्नों में हेरा फेरी हो सकती है, जैसे कोई दो प्रश्न एक साथ दे दिए एक एक अंक के, या फिर दो अंक का एक प्रश्न दे दिया साथ में, जैसे 4 अंकों का प्रश्न है तो उसमें एक एक अंक के 4 प्रश्न दे दिए, या दो दो अंक के 2 प्रश्न दे दिए, या 3 अंकों का एक बड़ा दे दिया, एक अंक का छोटा दे दिया, तो ऐसे डिवाइडेशन हो सकता है। कुल मिला के बात यह है कि आपकी कृतिका जो पुस्तक है वो कितने अंकों की है, वो 10 अंकों की है, और उसमें से प्रश्न ही पूछे जाएंगे, 1-2 प्रश्न छोटे पूछे जाएंगे और 2-3 प्रश्न बड़े पूछे जाएंगे। तो ये था आपका हिंदी विषय का ब्लूप्रिंट। इसमें लिखा गया है कि प्रश्न संख्या 17, 18, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, इनमें क्या है, आंतरिक विकल्प है, यानी अथवा वाले प्रश्न होंगे, उनमें से आपको एक करना है, ठीक। फिर प्रश्न एक में 1 से 12 प्रश्न समाहित है, यानी प्रश्न संख्या एक के अंदर 1 से 12 तक अभसद या रिक्त स्थान हो सकती है। फिर प्रश्न संख्या 2 में 1 से 6 समाहित है, ठीक है, यानी आपके सेक्शन ए के अंदर पहले प्रश्न के अंदर 1 से 12 होंगे, फिर इसी के दूसरे प्रश्न में 1 से 6 होंगे, और इसी के तीसरे प्रश्न में 1 से 12 होंगे, ठीक है, ये सेक्शन ए के अंदर होगा। तो ये था आपका हिंदी विषय का ब्लूप्रिंट। उम्मीद करता हूँ मोटे मोटे तौर पर आपको अच्छे समझ में आया होगा कि यह पठित गद्यांश 10 नंबर का है, निबंध 4 नंबर का है,
पत्र 4 नंबर का है, विज्ञापन 4 नंबर का है, ग्रामर 12 अंकों की है, स्थिति 36 अंकों की है और कृतिका आपकी 10 अंकों की है। बस आप इसी आधार पर तैयारी कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।